अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंजाबी मुंडा। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग लेकर आया हूं। मैं आज आपको डिस्प्ले सेंटर का विज़िट करवाऊंगा। ये डिस्प्ले सेंटर का रास्ता है, यहां से हमने डिस्प्ले सेंटर की तरफ जाना है। ये सामने सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से हमने डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया करूं। अभी हम बिल्डर मार्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। इस बिल्डर मार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सब हम आपका रिव्यू करवाएंगे, और यहाँ पे एक भाई है, हम इनसे आपको मिलवाते हैं और इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सर, ये हमारे सारे हैं और हम इनसे आपको मिलवाते हैं। हम अभी बिल्डर मार्ट पे पहुंच चुके हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? मैं ठीक ठाक। खैरियत से सर? हम आज बिल्डर मार्ट पे आए हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, कुछ चीज़ें दिखाने के लिए कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से सैंपल होते हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएँ। जी, हमारे पास इंटीरियर का कम्प्लीट सॉल्यूशन होता है, जिसमें आप किचन, डोर्स, वार्डरोब प्लस वैनिटीज, बाथ का तो सारा हम ये इस पर वर्किंग करते हैं ना। और हमारा ये इंटरनेशनल भी होता है और डोमेस्टिक भी होता है। इसमें क्लाइंट की ऑन डिमांड भी होता है, सारा कस्टमाइज होता है। अगर आप मेरी बैक साइड पे देखें और लेफ्ट साइड पे देखें तो ये सैंपल लगे हुए हैं। तो कलर सिलेक्शन हमारे पास 100+ है और इसमें मटीरियल भी काफ़ी डिफरेंट में है। वो डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड क्या है, उसकी सिलेक्शन क्या है, उसकी चॉइस क्या है ना। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको विज़िट करवा देता हूँ। चलिए हम सर स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पे देखिए तो नीचे हमारे ये सैंपल पड़े हुए हैं हार्डवेयर के। सिलेक्शन इसमें से होती है हैंडल्स की, नोब्स की, ये शटर्स किचन के, वार्डरोब से, प्लस जो ड्रॉर्स लगते हैं उनकी नोब्स वगैरह, तो इनकी हैं। आगे फिर हमारे ग्लास के हैं, एल्युमिनियम फ्रेम में हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो ये वुडन में हैं। वुडन के साथ हमारे फिर ये एक्रेलिक, ग्लॉसी और मैट फिनिश में आ जाते हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो ये पीयू वाले भी आ जाते हैं, प्लस पीवीसी टाइप भी आ जाती हैं। तो सर हमें इसका है सैंपल का बता दें, सैंपल में ये क्या क्या चीज़ें हैं आपकी? सैंपल में ये जो सैंपल हैं ये फ्रंट शटर हैं किचन की। ठीक है, तो ये हम किचन के, वार्डरोब्स के तो सिलेक्शन के लिए सैंपल्स हैं। और ये हमारे इम्पोर्ट भी हैं और डोमेस्टिक भी हैं। ठीक है सर, तो ये हमारे पास देखें वार्डरोब्स के स्लाइडिंग शटर हैं। सही है, इसकी रेंज है। इसमें कलर प्लस इसमें मटेरियल डिफरेंस डिज़ाइन, तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट के आर्किटेक्ट क्या थीम डिज़ाइन करते हैं, फिर हम भी उसको फॉलो करते हैं। तो सर इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप हमें दिखा दें। और हमारे पास ये डोर्स हैं, ये हमारे पास इंजीनियर डोर हैं। ये फिनिश आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, ये इम्पोर्ट किए हुए डोर्स हैं। ये भी सेम ये, और ये वाला सॉलिड डोर है, ये स्लाइडिंग डोर होता है ना। ठीक है, ये यूज़ करते हैं ड्राइंग टू डाइनिंग पार्टीशन के लिए। अगर आप कहते हैं हमें इसमें ग्लास नहीं चाहिए, मतलब कोई प्राइवेसी चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये स्लाइडिंग आ जाता है जो कि सॉलिड में। तो सर इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी हमें दिखा दें। उसके अलावा आए मैं आपको दिखा दूँ। चलिए सर हमें इसका रिव्यू करवा दें सारे सेटअप के बारे में। अब ये हमारे पास वो जो मटेरियल था ये मैट फिनिश में है। ये डोमेस्टिक शीट्स हैं हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स की, डिफरेंट कंपनीज की, तो उसमें हम कलर सिलेक्शन करवाते हैं। ये ब्लैक ग्लास लगा हुआ है, इसमें हमारे पास किचन के अप्लाइंसिस आ जाते हैं, हॉट प्लेट है, होब की। और सर ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है या क्या चीज़ है ये? ये इलेक्ट्रिक है, और ये वाला हुड है ये भी इलेक्ट्रिक ही होता है। इसके बाद ये सिंक, और इसके अलावा सर इसके अलावा हमारे पास ये वैनिटीज होती हैं बाथ के डिज़ाइन के लिए, डिफरेंट कलर, डिफरेंट फिनिशेस हैं और डिफरेंट साइजेस में भी मिल जाता है। सही है सर। इसके अलावा ये हमारे पास सैंपल है एक वार्डरोब का, अगर आप क्लाइंट को दिखाएं। बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। ये भी हमारा कस्टमाइज होता है एज पर क्लाइंट डिमांड, जो क्लाइंट कहता है उसके अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पर उसको कितने ड्रॉ चाहिए, कितनी हैंगिंग चाहिए, ये सारा हम करते हैं। अच्छी बात है। और सर ये चीज़ें दिखा दें, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये पार्ट है इसका, तो ये सारा सिस्टम है। तो इसके अगर आप देखें होंगे ये भी साथ हमारे एक पड़ा हुआ है फाइल कैबिनेट,
जी बिल्कुल, और प्लस ये एग्जैक्टिव टेबल है। सही है। तो हम जो है हम प्रीमियम फिनिश में भी जो है डील करते हैं और इकोनॉमिकल में भी करते हैं और मीडियम में भी। तो डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड पे, क्लाइंट की डिमांड पे, ऑन डिमांड वाली। हमारे रेफर से आपके पास कोई कस्टमर आ जाए तो आप उसको क्या डिस्काउंट देंगे? जी जी जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। कोई भी अगर आपके प्लेटफॉर्म से, पंजाबी मुंडा के प्लेटफॉर्म से हमारे पास आएगा तो वो बस नाम ही ले ले तो हम उसको ज़रूर डिस्काउंट भी देंगे और उनको अच्छा जो है ना क्वालिटी की चीज़ भी देंगे, प्रोडक्ट भी देंगे और वो लाजमी जो है ना इससे खुश हो जाएंगे। हमने जो पंजाबी मुंडा के प्लेटफॉर्म से चीज़ें ली हैं या परचेज की हैं वो आपको ज़रूर जो है ना मज़ीद आप अपडेट्स देंगे तो उसको रिव्यू भी करेंगे। तो सर हम आपका नंबर इस वीडियो के एंड पे मेंशन कर देंगे, अगर कोई कस्टमर हमारे रेफरेंस से आए तो आप उसे लाजमी डिस्काउंट दीजिएगा। जी जी जरूर। इसके अलावा और भी अगर आपके पास कोई चीज़ें कोई सैंपल हैं तो वो भी हमें दिखा दें। इसी हमारे पास किचन है, एक डिस्प्ले में हमारा ये किचन लगा हुआ है। ठीक है सर। जिसमें देखें ये कुछ कैबिनेट्स होती हैं कि जो आपको वेंटिलेशन के लिए चाहिए होती है ना, जिसमें हवा का गुजर हो सके, तो ये इसमें मैश भी लगाते हैं सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, और ब्लम का इम्पोर्टेड हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारी ये दूसरी कैबिनेट्स हैं, ये फुल हाइट कैबिनेट। ओके। इसमें बिल्ट इन फ्रिज भी आ जाता है, इसमें एक्सेसरीज भी लगा सकते हैं, ये डिमांड पे है। ये मीडियम हाइट में, इसके बाद ये किचन का काउंटर स्टार्ट हो जाता है। ओके। इसके साथ फिर ये वॉल कैबिनेट्स, सिंक, तो हम जिस तरह का लेआउट होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं। तो सर यहाँ पर एक किचन कितने में तैयार होता है, उसका कितना हो जाता है एक्सपेंस? अब देखिए स्टार्टिंग प्राइस में अगर आप किचन के हमें ये वाला किचन चाहिए ना, तो ये आपको अगर आप कहते हैं कि हमें सिर्फ पाकिस्तान की फिनिश में चाहिए, डोमेस्टिक फिनिश में चाहिए, तो वो आपका 12-14 लाख तक जाता है। और अगर आप इम्पोर्ट में जाएंगे तो वो 18-19 में जाएगा। सही है। लेकिन अगर डोमेस्टिक में जाएंगे तो हम टाइम ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, जैसे 60-70 डेज फॉर सॉलिड किचन। और अगर शीट्स में लेंगे इन फिनिश में तो ये हम दे देंगे 20-30 डेज ना। ओके सर। और यही कहते हैं हमें इम्पोर्ट में चाहिए तो उसमें हमें 90 डेज जो है ना दरकार होते हैं, ताकि हमने क्योंकि फिर ये बाहर से प्रोडक्शन है। ओके सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज हम आपको बिल्डर मार्ट का रिव्यू करवा रहे थे जिसमें इन भाई से हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है, और इसके अलावा बाकी प्राइस ये सारी आप देख सकते हैं, ये एल्युमिनियम में ये सारी चीज़ें, ये आप सारा रिव्यू एक दफ़ा कर सकते हैं, और ये हमारे पास मॉडर्न में है, ये काफ़ी सारे हमारे पास डिज़ाइन मौजूद हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें।